आज हम आप लोगों को बताते हैं स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। काफी लोगों को इस टॉपिक में दिक्कत होती है, स्टैटिक जीके की कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एसएससी के किसी भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी सीए के तैयारी कर रहे हैं, सीए तैयारी कर रहे हैं या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, आजकल ये सारे पेपर बनाते है ना, तो उसका पैटर्न क्या है और किस आधार पर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जहां से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कुछ टॉपिक मैं लेकर के आया हूं। आपको देखिएगा, इतने स्टैटिक जीके के टॉपिक आप पढ़ करके जाएं तो आपके क्वेश्चन जो है वो फंसेंगे ही फंसेंगे, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, तो अगर हम पहली बात करें फेयर एंड फेस्टिवल्स की, तो आजकल मेले और उत्सव और मेले जरूर उत्सव और मेले, ठीक है, तो उत्सव और मेले से क्वेश्चन आते हैं, तो फेयर एंड फेस्टिवल से क्वेश्चन आते हैं, डांस फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? इसमें आपको फॉक लोक नृत्य मिल जाता है, शास्त्रीय नृत्य की मिल जाता है। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य कौन, इसमें भागीदार कौन कौन से नृत्य होते हैं उनके बारे में। उसके बाद आते हैं बुक्स ऑथर्स, दो तरीके की बुक, एक हिस्टोरिकल बुक के बारे में होता है, ठीक है, पंचतंत्र किसकी रचना है, विष्णु शर्मा की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, इस तरह से। और दूसरा करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो आजकल करंट में जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं और उनके उनकी बुक्स है जिन्हें कहीं ना कहीं अवार्ड्स मिले हुए हैं, वहां बुक्स एंड ऑथर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो है रामसर साइट्स। रामसर साइट्स के भी बारे में पूरी डिटेल में वीडियो आप किसी यूट्यूब चैनल से देख लीजिए और नोट डाउन जरूर कर लीजिए वहां से कॉन्सेप्ट्स को, है ना, और कौन कौन से रामसर साइट्स हैं ये पूरी बातें। फेमस अवार्ड्स याद करने हैं आपको, जैसे कि दादा के अवार्ड्स हो गया, है ना, जैसे कि आपका फीफा वो वर्ल्ड कप, ये तो आईफा अवार्ड हो गया, जैसे कि आपका कानफिस्ट फिल्म फेस्टिवल हो गया, है ना, फिल्म फेयर अवार्ड हो गया, इस तरीके से ये सारे टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतनी चीजें तो आपको मालूम होनी चाहिए, ये सारे आप एक नोट्स बना लीजिए और पहले पेज पर लिख लीजिए कि हमें इतने टॉपिक एक नोट्स में लिखने हैं किसी भी यूट्यूब चैनल से, ठीक है, फिर उसे लिखते जाइए। लिखने के बाद जैसे सपोज आपने रामसर साइट्स लिखे कि इतने रामसर साइट्स हैं, मान लिया आपने 20 रामसर साइट्स के बारे मिल गया, 10 रामसर साइट्स के बारे में मिल गया, आगे एक आप छोड़ दीजिएगा, वो भी आप छोड़ दीजिएगा, आप कहीं और पेपर सॉल्व कर रहे हैं और वहां एक रामसर साइट्स मिला जो आपके नोट्स में नहीं है, तो 11वां वहां ऐड करते हैं, बाप ऐड कर सकते हैं, इस तरह से कीजिए। नेशनल टाइगर रिजर्व के बारे में आप, नेशनल पार्क्स के बारे में, कौन कौन से नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, टेम्पल्स के बारे में आपको पढ़ना है, जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ पर स्थित है ना, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, इस तरह से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसने बनवाया था, इन सब के बारे में। तो एक डिटेल पूरी चीजें आप किसी यूट्यूब चैनल से देख लीजिएगा इसे, है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे सितार वादक का नाम क्या है, सितार वादक, तबला वादक, है ना, तबला वादक, सितार और तबला वादक का नाम बजाने वाले कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। रिलीजियस प्लेस आपको याद करना है, कौन कौन से रिलीजियस प्लेस हैं। इंपॉर्टेंट लेक्स याद करने, यानी कि प्रमुख झीलों के बारे में आपको पढ़ना है। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, आजकल 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में जनगणना से, है ना, तो जनगणना टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट स्टेडियम के बारे में, इकाना स्टेडियम कहाँ है, इस तरीके से, और इम्पोर्टेंट जो जो स्टेडियम है उसके बारे में आपसे पूछ लेता है कि कौन कौन सी स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम के बारे में, ठीक है। इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है, कौन कौन से एयरपोर्ट्स कहाँ कहाँ स्थित है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहाँ पर है, और कई एयरपोर्ट जो है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है, वो पूरा आप एक नोट, ये सारे नोट्स जो है वो आपको लूसेंट्स में भी मिल जाएंगे, है ना, उठाइए वहां से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इंपॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ स्टेट्स, राज्य की दो तरीके की योजना आपसे पूछी जा, 2-3 नंबर यहाँ से हटा नहीं है, इसलिए मैं बहुत छाट छाट के टॉपिक लाया हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और की जो इंपॉर्टेंट है, तो योजना के
बारे में पढ़ लीजिए, अलग अलग राज्य सरकार, केंद्र सरकार की अलग योजना है, केंद्र सरकार की मुद्रा योजना है, ठीक है, केंद्र सरकार की योजना है, तो इस मुद्रा योजना में फुल फॉर्म क्या होता है, आजकल यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, या पूछ लेता है मुद्रा में आर है और चार ऑप्शन दे देगा, है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आ जाइए इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में, कौन कौन से इवेंट्स हैं इम्पोर्टेंट उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में, इम्पोर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं, वहां से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं और उसके बारे में कई चीजें पूछी जाती हैं आपकी, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं। कंपनी एंड इट्स फाउंडर, जैसे कि ओला के फाउंडर कौन है, उबर के है ना, उबर ओला इस तरीके से, इन सब के फाउंडर कौन है, और ढेर सारी कंपनी है जिसका नाम जो है वो स्पीडी बुक में ढेर सारा दिया गया है, उससे आप तैयार कर लीजिएगा। पोर्ट्स याद कर लीजिएगा, कौन कौन से पोर्ट्स हैं इंडिया में जो इम्पोर्टेंट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट आप याद कर सकते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज और इंडेक्सेस के क्वेश्चन 2 से 3 आते ही हैं, ठीक है, इतने क्वेश्चन कर लेंगे 10 से 15 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, इसलिए मैं एक तरीके का क्वेश्चन एक साथ ले आया हूं कि यहां से क्वेश्चन आप कर ही लीजिए, ठीक है। ये 25-26 टॉपिक लाया हूं मैं आपको, 25 टॉपिक ही हैं, इन 25 टॉपिक्स से आपको क्वेश्चन आएंगे, तो आप इन 25 टॉपिक्स के क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, ठीक है। मैं मुश्किल से 5 से 10 मिनट की वीडियो में बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको स्टैटिक जीके के लिए बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं, आपको टॉपिक बता दिया है, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं, तो आपको इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो तैयार कर लेने हैं। तैयार कहाँ से करने हैं, उसके लिए आप किसी यूट्यूब चैनल सहारा ले सकते हैं, ठीक है। मैं एक चैनल बता रहा हूँ आपको, चैनल मुझे लगा ट्री स्टडी चैनल, सर्च कीजिएगा और वहां अवार्ड्स के लिए लिस्ट आएगी, ठीक है, और मिलिट्री एक्सरसाइज की लिस्ट मिल जाएगी, इंडेक्स की लिस्ट मिल जाएगी, ट्रिक स्टडी चैनल है, ठीक है। वहां मैंने वहां से कुछ चीजें पढ़ाई की थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं जब पढ़ाई करता था, ठीक है, एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो मैंने वहां से काफी चीजें अपने नोट्स में नोट डाउन की थी, तो सिर्फ वीडियो नहीं देखनी है, वहां से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इन्होंने क्लियर कट सारी चीजें एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताई है, जितने इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन इनके चैनल पे इतने अच्छे तरीके से, इतने सेलेक्टेड क्वेश्चंस इनके हैं कि वो आते ही आते हैं, वहां से आप तैयार कीजिए। ये 25 टॉपिक्स जो है वो एग्जाम में आपको 10 से 15 दिला सकते हैं, ठीक है, तो 10 से 15 नंबर पाने के लिए आप यहाँ फोकस कर सकते हैं कि 10 से 15 नंबर आपके हो जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट आए जाए, तो वीडियो में लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा कि हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टॉपिक्स आप पहले तैयार कर लीजिए, और ऐसा ना हो कि वो टॉपिक आपसे छूट जाए, है ना। तो पॉलिटी से हो गया, ज्योग्राफी से हो गया, मैं पेपर ला करके दिखा दूंगा, उससे मैं बता दूंगा, बशर्ते आप तैयार कीजिए इसे, इन 25 टॉपिक से क्वेश्चन तैयार कीजिए, आपके जाकर से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, साइंस से, और इन सभी टॉपिक का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और ऐड कर लीजिएगा इसमें स्लोगन, इम्पोर्टेंट स्लोगन ये पूछा जाता है, ठीक है, फुल फॉर्म हमने बता ही दिया है। तो ये 25-26 टॉपिक जो हमने बता दिए हैं, यहां से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 10 से 15 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन स्टैटिक जीके के टॉपिक्स को आप जरूर तैयार कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।